मंत्रालय सेवा के शासकीय सेवकों की लंबित मांगों के संबंध में अजाक्स मंत्रालयीन शाखा का मांग पत्र। मंत्रालय सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए मध्य प्रदेश अजाक्स मंत्रालयीन शाखा शासन से नियमानुसार मांग करता है, पदोन्नति नियम शीघ्र जारी किया जाए जिससे मंत्रालय में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति हो सके। विगत 7 वर्षों से अधिक समय से मंत्रालय सेवा के शासकीय सेवक पदोन्नति से वंचित रहकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2005 से शासकीय सेवा में आए शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस लागू की जाए। वर्तमान में लागू एनपीएस शासकीय सेवक के भविष्य से खिलवाड़ है। दिनांक 12/5/2016 के पूर्व की डीपीसी की चयन सूची में शेष बचे शासकीय सेवकों के न्यायालय विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के पालन में पदोन्नति आदेश जारी करवाए जाए। मंत्रालय सेवा के शासकीय सेवकों को पड़ोसी राज्यों की तरह मूल सूचकांक के अनुसार मंत्रालय भत्ता का प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के अनुसार केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 663/79/71/2022 लक दिनांक 10/10/2022 की कंडिका 2.3 में लेख के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से ना कर नियमित सीधी भर्ती की जाए। हमारा अधिकार पुरानी पेंशन दो सरकार, ये हमारा अधिकार। पुरानी पेंशन दो सरकार, ये है हमारा अधिकार। पुरानी पेंशन दो सरकार, ये हमारा। बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की लाठी, सुबह शाम हमें बुढ़ापे की चिंता सताती, मत करो अत्याचार। पुरानी पेंशन दो सरकार, ये है हमारा। पुरानी पेंशन दो सरकार, ये है हमारा अधिकार। पुरानी पेंशन दो सरकार, ये है हमारा। 12/5/2016 की जो डीपीसी है, उस डीपीसी के जो शेष पदोन्नति आदेश रह गए हैं, सरकार शीघ्र जारी करे। मंत्रालय भत्ता विगत 7 वर्षों से सरकार ने नहीं बढ़ाया है, मूल सूचकांक अनुसार शीघ्र बढ़ाए। वर्तमान में जो एचआरए जो शासकीय सेवकों को मिल रहा है, वह 6ठे वेतनमान के अनुसार मिल रहा है, वह 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश शासकीय सेवक जो मंत्रालय में आते हैं, उन्हें 100% आवास सुविधा हो, और सरकार में जो अभी आउटसोर्सिंग के लिए, चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सिंग के लिए जो परिपत्र जारी हुए हैं, वो लागू ना हो और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमित हो, ये हमारी कुछ मांगे हैं। साथ ही मंत्रालय सेवा में जो तृतीय श्रेणी है, उन्हें 2400 ग्रेड पे दिए जाए, द्वितीय श्रेणी को 2800 और एसओ का 5400 ग्रेड पे हो, ये हमारी मांगे हैं। ठीक है, ठीक।